हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेघाज डिलीशियस किचन। मैं हूं मेघा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं स्पंज केक की बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी। जैसा कि फ्रेंड्स आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि मेरा जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बना है। अगर आप भी ऐसे ही केक बनाना चाहते हैं तो आपको देखनी होगी वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं स्पंज केक की रेसिपी। स्पंज केक की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 4 अंडे, 1 टेबल स्पून वैनिला एसेंस, 1/4 टेबल स्पून फूड कलर, 100 ग्राम बटर, 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 100 ग्राम मैदा ऑल पर्पज फ्लावर, 100 ग्राम ऑफ फाइन पाउडर्ड शुगर, 100 ग्राम बटर ऐड कर रही हूँ और मैं इसे 2 मिनट तक ब्लेंडर की हेल्प से लो स्पीड पर ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 पार्ट्स में शुगर पाउडर को ऐड करूँगी और इसे भी 4 से 5 मिनट लो स्पीड पर ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा जो बटर है उसका जो टेक्स्चर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी और क्रीमी हो गया है। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि आपका जो केक है वो बहुत ज़्यादा स्पंजी फ्लफी बनने वाला है। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर एक अंडा ऐड करूँगी और इसे भी लो स्पीड पर ब्लेंडर से 2 मिनट तक ब्लेंड करूँगी। फ्रेंड्स, एक अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी केक बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली ये कि जो बटर है वो बिल्कुल भी मेल्टेड नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। सेकेंड ये कि जो शुगर का जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड ये कि जो ब्लेंडिंग की प्रोसेस है वो लो स्पीड पर करनी है। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर दूसरा अंडा ऐड कर रही हूँ, इसे भी मैं 2 मिनट तक लो स्पीड पर ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। हमारा जो बैटर है उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और फ्लफी हो गया है। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि हमारा जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनने वाला है। 2 मिनट लो स्पीड पर ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर तीसरा अंडा ऐड करूँगी। तीसरा अंडा ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख पाएंगे कि हमारा जो टेक्सचर है बैटर का वो क्रीमी से दानेदार हो गया है। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर लास्ट और चौथा अंडा ऐड कर रही हूँ, इसे भी मैं 2 मिनट तक लो स्पीड पर ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। फ्रेंड्स, एक सॉफ्ट स्पंज केक बनाने के लिए 3 ही चीज़ें मेन रोल प्ले करती है, एक बटर, एक शुगर पाउडर और एक ब्लेंडिंग। अब यहाँ पर हमारी बटर, शुगर और अंडे को ब्लेंड करने की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब मैं यहाँ पर एक बाउल लूँगी, स्ट्रेनर की हेल्प से मैं मैदे को अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि हमारे बैटर में कोई भी लम्प्स ना रहें और हमारा जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बने। सिमिलरली मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर को भी स्ट्रेनर की हेल्प से छान लूँगी ताकि इसमें भी किसी भी प्रकार के कोई लम्प्स ना रहें। बेकिंग पाउडर और मैदे को अच्छी तरह से छानने के बाद मैं इसे बैटर में मिक्स कर दूँगी। मैं यहाँ पर 1 पार्ट में ही मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 पार्ट्स में भी मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसे भी 2 मिनट तक लो स्पीड पर ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख पाएंगे कि हमारा जो बैटर है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक है और इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और फ्लफी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें एक अच्छा केक बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी बैटर की। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हमारे केक के लास्ट इंग्रेडिएंट्स। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ वैनिला एसेंस, ये हमारे केक को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। एंड 1/4 टेबल स्पून ऑफ फूड कलर, मैं यहाँ पे येलो फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो दूसरे कलर भी यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फूड कलर का अमाउंट कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आपको कैसा कलर चाहिए अपने केक का, डार्क या लाइट। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि मेरे केक बैटर का जो कलर है वो लाइट येलो है। मैं अब यहाँ पर और फूड कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ब्लेंडिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इट मीन्स कि हमारा जो केक का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं यहाँ पर केक मोल्ड ले रही हूँ, इसमें मैं ग्रीसिंग कर रही हूँ। ग्रीसिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो बटर और घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से केक मोल्ड को ग्रीस करने के बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ सूखा मैदा और मैं इसे शेक करके पूरे मोल्ड में अच्छे से फैला लूँगी और बचा हुआ एक्स्ट्रा मैदा वापस से बाउल में डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर केक मोल्ड में हमारा केक बैटर ऐड करूँगी। केक बैटर को ऐड करने के बाद मैं केक मोल्ड को अच्छे से टैप करूँगी ताकि इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी एयर बबल्स ना रहें और हमारा केक अच्छे से फूल सकें। अब मैं यहाँ पे माइक्रोवेव को 160 डिग्री पर प्री हीट कर रही हूँ। प्री हीट होने के बाद मैं केक मोल्ड को माइक्रोवेव में प्लेस करूँगी और 25 मिनट का टाइमर लगाकर बेक होने दूंगी। पच्चीस मिनट बेक होने के बाद अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो केक है वो अच्छे तरह से बेक हुआ है या नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर एक टूथपिक की हेल्प से चेक कर रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। इट मीन्स कि हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर नाइफ की हेल्प से केक की एजेस को मोल्ड के सरफेस से अलग करूँगी ताकि हमारा केक इजीली निकल पाए। अब मैं यहाँ पर एक प्लेट की हेल्प से इसे फ्लिप करूँगी और ऊपर से चाकू से टैप कर दूँगी ताकि हमारा जो केक है वो इजीली अपनी सरफेस छोड़ दे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे जो केक का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया है। अब मैं दूसरी प्लेट की हेल्प से इसको फ्लिप करूँगी। फ्लिप करने के बाद अब मैं इसे पीसेस में कट करूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। सो फ्रेंड्स, आप भी स्पंज केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो केक है वो कैसा बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।